मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास सिक्स चैप्टर 16 काल हिंदी ग्रामर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पढ़ रहे हैं काल यानी टेंस, या इसको कहेंगे हम समय भी कह सकते हैं। और पहले हम लोगों ने क्रिया पढ़ा है, सर्वनाम पढ़े हैं, विशेषण पढ़े हैं, लिंग पढ़ा है, वचन पढ़े हैं, संज्ञा पढ़ा है। तो आज हम क्रिया काल पढ़ने वाले हैं। तो काल में देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वह दौड़ता है, वह दौड़ा, वह दौड़ेगा। ठीक है, एक ही जो यहाँ पे मतलब कहने का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस अलग अलग तरह से लिखा गया है। वह दौड़ता है, ठीक है, तो वह दौड़ता है यानी कि वो दौड़ चुका है, इसके लिए यानी कि भूतकाल के लिए। वह दौड़ा यानी कि अभी दौड़ रहा है, जैसे अभी हमको दिख रहा है रन कर रहा है। और वह दौड़ेगा यानी भविष्य के लिए। तो यहाँ एक ही सेंटेंस में जो है, जैसे दौड़ना के तीन रूप है, दौड़ता है, दौड़ा, दौड़ेगा, ऐसे काल के कारण ही हुआ है। तो इस काल को जितने छोटे अंश में बांटेंगे क्रिया के रूप में उतने ही परिवर्तन हो जाएंगे। तो दौड़ता था यानी भूतकाल, दौड़ता है वो वर्तमान काल, और दौड़ेगा यानी भविष्य काल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया के होने या करने को हम समय कहते हैं, काल कहते हैं। तो हम लोग उसको ही काल कहते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग काल को जो है, अब देखिए आप काल के भेद। तो मुख्य रूप जो है तीन भेद से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो मैंने भी बताया है। तो भूतकाल स्टार्ट करूँ मैं। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात ऐसे कार्य का जो लिखने या बोलने से पहले हुआ था, यानी कि जो कार्य बीत चुके हैं, जो हो चुका है कार्य, उसके लिए भूतकाल के लिए कहेंगे। उसमें था, थी, थे, ऐसे करके कुछ वर्ड्स आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि भूतकाल में ये कार्य हुआ है। वह पिछले वर्ष आया था, तो आया था, वो बीत चुका है, अभी आया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आप भूतकाल कहेंगे। राम ने पिछले साल परीक्षा दी थी। अब भूतकाल के भी छह भेद होते हैं, जो है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल पहले पढ़ेंगे हम। इसमें बीते हुए समय का बोध होता है, जो बीत चुकी बिल्कुल साधारण सामान्य सी बात यहाँ आएगी, पर यह बोध नहीं होता कि काम कब समाप्त हुआ। जैसे मैं कल मम्मी पापा के साथ फिल्म देखने गया था, ठीक है, तो अभी ये पता नहीं है कि गया था, ये तो है कि भूतकाल का ही सेंटेंस है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि इसका जो है कब, जो मतलब इसका जो ये जो वाक्य समाप्त हुआ है वो उसका पूरी तरह से यहाँ समय का बोध नहीं करा रहा है कि कितने दिन पहले, महीने पहले, छह महीने पहले या सालों पहले। देखो साधारण सा जो वाक्य है वो आसन सामान्य भूत में आएगा। आसन भूत देखो इसमें यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान से कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ, यानी कि थोड़े टाइम पहले ही आसन्न, यानी कि जो वर्तमान में ही, भूतकाल में तो प्रारंभ हुआ है लेकिन वर्तमान में आने से पहले ही, कुछ समय पहले ही ये जो है समाप्त हुआ। इस प्रकार ये भूत और वर्तमान दोनों से संबंध रखता है। तो अगर आप डेफिनेशन के थ्रू भी पूछे हैं, अगर वन वर्ड में इस तरह या कुछ सेंटेंस में भी, तो आप देखो कि जो वह काल जो भूत और वर्तमान दोनों से संबंध रहता है, वह यह कारण है कि कुछ लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, और अंग्रेजी व्याकरण में तो शुद्ध वर्तमान काल माना गया है। उसने परीक्षा पास की है, ठीक है, पास की है यानी हो चुकी होने में, तो लेकिन अभी अभी की है, कहने का आप समझे इसको, मैंने उसे देखा है, मतलब आप देख चुके हो होने में, तो भूतकाल का ही सेंटेंस है, लेकिन अभी अभी देखा, कुछ समय पहले ही आपने उसको देखा है, जिसके लिए भी कहा गया है। वह जा चुका है, तो कुछ समय पहले ही कोई जा चुका है, क्योंकि वो तो होने में तो भूतकाल में ही आएगा, लेकिन कुछ समाप्त वर्तमान काल से कुछ पहले ही वो कार्य हुआ है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल में रखेंगे। अब देखो थर्ड, पूर्ण भूत, इसमें यह बोध होता है कि काम पहले, बहुत पहले समाप्त हो चुका है, इसे पूर्ण भूत यानी कि कंप्लीटली वो बीत चुका है, तो निकट भूतकाल में नहीं। इसमें क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, एलिजाबेथ भारत आई थी तो कहा था महात्मा गांधी जी को मरे हुए ही जो है उनको मृत्यु को प्राप्त, 150 वर्ष हो चुके हैं, कई साल बीत चुके हैं। एलिजाबेथ जो है भारत आई थी तो उनको भी जो है कितने वर्ष हो चुके हैं, कब आए होंगे भारत, तो वो सब कुछ चीजें जो हम यहाँ पर कहेंगे। 1947 तक अंग्रेज भारत को लूट चुके थे, तो ये सब जो यहाँ पे आई है, जो कार्य पूरा ही कम्प्लीटली हो चुका है, खत्म, उसमें पूर्ण भूत लगेगा, तो यह इजीली हम पहचान सकते हैं। अपूर्ण भूतकाल, इसमें यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, अर्थात जारी था, जैसे रागिनी खेल रही थी, ठीक है, तो अभी भी मतलब होने में तो भूतकाल में है, लेकिन वो जो है आपका संदेह है उसमें कि खेल रही है, मतलब खेल जो उसने खाना खा लिया हो, सॉरी यहाँ पे रागिनी खेल रही थी, तो अपूर्ण भूत यानी कि ना तो वो पूरी तरह से कार्य जो है भूतकाल में जो है
हो रहा था ना, जारी चल ही रहा है उस तरीके से, बच्चा रोए जा रहा था, ठीक है। तो स्टार्ट तो उसने भूत पहले ही किया था और अभी तक भी वो रोए जा रहा था, तो उसमें ये अपूर्ण भूतकाल में रखेंगे। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया के होने पर या करने पर संदेह प्रत्यय, यानी कि आपको संदेह हो, डाउट हो, वहां पे वो संदिग्ध नाम को नाम से ही पता चल रहा है। उसने खाना खा लिया होगा भी हम सोच रहे हैं, तो होगा आने पे भी आप इसको भविष्य नहीं बोलेंगे, यहाँ होने में तो भूतकाल ही, लेकिन अभी हमें को पता नहीं खाना खा लिया है, यानी क्योंकि हम उसको पहले ही भोजन जो है परोस के आए थे। मित्रों ने घूमने की तैयारी कर ली होगी, ठीक है। तो यह संदेह जो हमको प्रकट हो रहा है, तो वहां पे आप संदिग्ध भूतकाल रखेंगे। हेतु हेतु मद्भूत काल जो है, जिस क्रिया से ये जाना जा सके कि कार्य भूत काल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण न हो सका। जैसे आरंभ में मेहनत कर ली होती तो अच्छे अंक मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों से हम लोग बार बार कहते हैं कि जो है आप लोग अपने फोकस करें एग्जाम्स में, अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पे फोकस करें, कंसंट्रेशन करें, और आप लास्ट मोमेंट पे ही रिविजन करते हैं या पढ़ते हैं, तो वो उसी के लिए कि अगर आपने शुरू से ही मेहनत कर ली होती तो आपको सबको ही सफलता मिलती और सभी जो है मेहनत करना चाहेंगे और मेहनत करना चाहिए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पे जो कार्य भूतकाल में तो हो सकता था परंतु अभी भी किसी अन्य कार्य की वजह से नहीं हो पा सका है, तो वहाँ हेतु हेतु मद्भूत काल आप लिखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान, अभी इस देखो इसके के तो कितने भेद थे, भूतकाल के 6 भेद है, इसके वर्तमान काल के 4 भेद है जो हम लोग पढ़, सॉरी 3 भेद है जो हम लोग पढ़ने वाले आगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य कभी नहीं बदलने वाले का बोध होता है। जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, जो कार्य हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं बना रही हूँ, ये आपका वर्तमान काल हो गया, जब आप देखेंगे वो आपका भविष्य काल हो जाएगा। तो सामान्य वर्तमान काल में चलते हैं, इससे ये बोध होता है कि काम वर्तमान काल में होता है, पर ये बोध नहीं होता कि काम लिखने या बोलने के समय हो रहा है। जैसे फिलिप बैडमिंटन खेलता है, छात्रवास से छात्र मिलते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, तो इन वाक्यों की रचना इस प्रकार होती है, धातु ता ते ती ही, इस तरह जो ता है ती है, इस तरह के जो लास्ट में आपको वर्ड्स मिलते हैं ना, वर्ण मिलते हैं, वो आप उससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल देखें, क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, जैसे कि गाड़ी स्टेशन में पहुंचती होगी तो यहाँ पर ये होगी, मृदुला आती ही होगी, यहाँ भी ये आप देख सकते हैं, इसको किसमें लिखेंगे आप, वर्तमान काल में, कि जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, ठीक है। इसके अपूर्ण भूत वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य शुरू हो गया है और अभी चल ही रहा है, वर्षा हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं, वो आप किस में लिखेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं और हम पढ़ रहे हैं भविष्य काल लास्ट वाला, तो भविष्य काल के 4 भेद हैं। भविष्य काल में आने वाले समय के लिए, अर्थात लिखने बोलने के बाद आने वाले समय के लिए जो भविष्य में होगा उसके बारे में कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे इसके पहला है हमारा सामान्य भविष्य, इससे ये बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा, वैसे ही भविष्य, वैसे तो भविष्य अनिश्चित है पर काल की क्रिया में निश्चितता की मात्रा अधिक रहती है। जैसे कि कमल जो है पुस्तक पढ़ेगा, मालिनी लिखेगी, हम बैठे नहीं पाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगी, या सोना घूमने जाएगी, तो अभी अभी संभावना है, मतलब आगे भविष्य के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। सामान्य सी बात, तो भविष्य में, सामान्य भविष्य काल में जो साधारण वाक्य हैं वो उसमें ही जाएंगे। इसके बाद अपूर्ण भूत, अपूर्ण भविष्य, इससे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, जैसे मुझे विश्वास है कि वह पढ़ता रहेगा, संसार नहीं रुकेगा, यूं ही चलता रहेगा। इस काल की रचना इस प्रकार होती है, धातु ता रहेगा ते रहे। ये इसके ट्रिक से बेटा पहचानने की भी, ये जो आप यहाँ पहचान पाएंगे, जो लिखा है लास्ट में कि धातु ऊंगा एगा एगी एंगे एंगी, ये सारे इस पहचान सकते हो आप इसके अंदर, किसमें भविष्य काल को, ये इसमें कौन सा भविष्य काल होगा, ये बहुत ज्यादा डीपली है, इतना डीपली आपके नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। संभाव्य भविष्य, इसमें भविष्य में काम होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव होता है, हो सकता है वह काल, वह कल आए, संभावना है, अभी वो आया नहीं है, ठीक है। हो सकता है वर्षा हो, तो यहाँ शायद का, संभव का जो हमें बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, वहां आप संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। पूर्ण भविष्य, इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जैसे तब तक वह पढ़ चुकेगा, वह काम समाप्त कर चुकेगी, तो इस तरह यहाँ पे
चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, ये सारे जो वर्ड्स हैं कुछ यहाँ पे ये आपकी पहचान करने के लिए बताए गए हैं, ताकि आप पहचान सके कि किस तरह यहाँ पे भविष्यकाल होगा, भविष्यकाल का कौन सा उपभेद यहाँ पर होगा। काल के विभिन्न अर्थ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो, अब ये तो एक कहावत के रूप में आ गया, हम लोगों ने देखा यहाँ काल का अर्थ आने वाले कल से है। ऐसे काल मृत्यु को भी कहा गया जिसे महाकाल। कालकूट किसके लिए गया, भयंकर विष के लिए कहा गया, जो कि हमारे शिव जी ने धारण किया था। इसके बाद काल नेमिक रावण की माया का नाम है। काल कोठरी जेल के लिए कहते हैं, और काल कंटक जो है शिव को कहा है। तो काल यहाँ पे देखो, आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लोगों ने आज जो है काल यानी समय को पढ़ा है, टेंस को पढ़ा है, और अब मैं सिंपल जो आपको बता रही हूँ कि काल के वैसे तो तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, लेकिन भूतकाल के भी छह भेद हैं, जो उपभेद हैं आपने जाने हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो काल भूतकाल के छह भेद हैं, और आपके देखो वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ देखे। इसके बाद आप देखो, आप भविष्य काल पे आते हैं, भविष्य काल के चार भेद हैं, जो है आपके सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य, संभाव्य भविष्य और पूर्ण भविष्य। तो इस तरह हम लोगों ने काल को पढ़ा है, और आपको देखो यहाँ अभ्यास भी मैंने कंटेंट में डालूंगी, पर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू जो है ये आपके लिए होमवर्क होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, दिए गए गद्यांश को वर्तमान काल में चेंज करना, जो यहाँ था थी यानी भूतकाल में लिखा गया है उसको आपको सिर्फ हे वर्ड लगाना, जहाँ थी वर्ड मिले वहां पे आपको सिर्फ हे वर्ड यूज करना, जैसे मैं अभी समझाती हूँ, वैसे मैं दूंगी कंटेंट में। दोस्तों मैं फुटबॉल और बैडमिंटन खेलती है, खेलती हूँ ऐसे करना, और वॉलीबॉल भी की भी अच्छी खिलाड़ी हूँ, तो थी की जगह हूँ है हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, जो गर्ल है वो एक अकॉर्डिंग। अपने मोहल्ले में मैं ऐसी अकेली लड़की हूँ जो लड़कों को, लड़कों की टीम में फुटबॉल और क्रिकेट खेलती हूँ। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, ये बात लोग खींच कर बोलते हैं या फिर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। तो इस तरह बस आपको हूँ लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, और आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग जो है इस वीडियो को भी सुनेंगे, और जो है कंटेंट में वैसे मैं डालूंगी सारे कुछ चीजें, और आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो ओके, बाय चिल्ड्रंस।